नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इग्नू के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जो हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी छात्र छात्रा हैं जिनके पास ये सब्जेक्ट है EMI, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कोड है KREE302, ठीक है। तो इनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बिलोंग नहीं करते हो या फिर आपके पास EMI सब्जेक्ट नहीं है, तो आप जरूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका कुछ ना कुछ फायदा हो, ठीक है। तो देखो यार, मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एक पहले एक चीज़ बात करते हैं। देखो यार, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन लेके आता हूँ। मैं बहुत सारा मेहनत करता हूँ, अपने टीचरों से बात करता हूँ, पिछले सालों के पेपर देखता हूँ, पिछली जितनी भी साल्स होती हैं, मतलब पिछले सालों के पिछली ईयर्स के पेपर देखता हूँ, अपने टीचर से बात करता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, ठीक है। तब जाके मैं और फिर मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आता हूँ। और यार, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब बिना किए जाते हो तो थोड़ा यार बुरा लगता है। अब मैं आपके लिए, जब आपके भविष्य को सुधारने के लिए मैं आपके लिए इतने मतलब वीडियोज़ ला रहा हूँ, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत मेरे लिए भी हेल्प कीजिए एक बार, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो पे आते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यूनिट हमें एक टॉपिक्स, देखो आप अपना तो पढ़िए पढ़िए, लेकिन मैं आपको जो टॉपिक्स बता रहा हूँ ये इस वीडियो से तात्पर्य ये है, अगर आपके पास कम टाइम है और ये टॉपिक्स अगर आपने नहीं करे हैं तो आप ये सारे टॉपिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं इनमें से 2 नंबर 10 नंबर हर तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगर आपको ऐसे बच्चा है कि जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो आप ये वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊँ वो आप सारे अच्छे से कीजिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। जिसने पढ़ लिया है, अगर आप ये वो पढ़ के जाएगा तो उसके 100 में से 90+ मार्क्स आराम से आ सकते हैं। यूनिट नंबर 1 की तरफ चलें, यूनिट नंबर 1 के जो टॉपिक्स देखें, सॉरी, यूनिट 1 में पहला जो टॉपिक बनता है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड मेथड ऑफ मेजरमेंट। आपको बताना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है और मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। दूसरा टॉपिक है एरर, एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में एरर क्या होती है। अगला है मेजरमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है। आपको बताना है कि मेजरमेंट स्टैंडर्ड क्या होते हैं। यूनिट नंबर 2 की तरफ चला, यूनिट नंबर 2 में कुछ कुछ ही होते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो है मीडियम एंड हाई रेजिस्टेंस और मेजरमेंट लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ने के बाद एक जो पहला मेन टॉपिक बनता है वो डिजाइन कंसिडरेशन एंड टेस्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्म्स करंट, और अगला है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट 3 के। यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़े तो फ्रिक्वेंसी एंड फेस एंगल मेजरमेंट क्या होता है यूजिंग CRO, मतलब फ्रिक्वेंसी एंड फेस एंगल मेजरमेंट आप करना है CRO। देखो जितनी भी आपके पास एब्रीवेशन आपके सब्जेक्ट में पूछी गई है आप सारी एब्रीवेशन कर लीजिए, क्योंकि 2 नंबर में पूछी जाती हैं। दूसरा है स्टोरेज ऑस्की स्लैब ऑस्की लो स्कैप फ्रिक्वेंसी मीटर, फिर है एनर्जी मीटर और है वोल्ट मीटर। आपको बताना है कि एनर्जी मीटर क्या होता है, 2 नंबर में पूछा जाता है ये, 10 नंबर में भी। वोल्ट मीटर 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 10 में भी। फ्रिक्वेंसी मीटर भी आता है, ठीक है। बाकी फ्रिक्वेंसी एंड फेस एंगल मेजरमेंट यूजिंग CRO 10 नंबर का क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। यूनिट नंबर 5 की तरफ चले तो यूनिट नंबर 5 में जो हमारा मेन टॉपिक सब हुआ क्लासिफिकेशन सेलेक्शन ऑफ सेंसर। अगला है मेजरमेंट ऑफ फोर्स यूजिंग स्ट्राइविन गाउज एंड मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यूजिंग पाई जूलोट्राइप सेंसर, ठीक है। तो यूनिट नंबर 5 में जो भी ये मैंने आपको बताया ये सारे 10 नंबर के क्वेश्चन हैं, सब अपने आप अच्छे से तैयार कीजिए। अगर आपको ये वाली जो PDF अगर आपको ये चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।